को बुरा लग जाए उससे मेरे मन को बुरा ना लगे, ऐसे करो तुम मेहनत, ऐसे करो तुम उपाय। किसी के बुरे लगने से मेरा मन दुखी ना होए कि कोई बात नहीं, उसको बुरा लगने का हक है ना। मन को नहीं अच्छा लगता कि कोई उसके ऊपर उंगली उठाए या सवाल पूछे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इट इमीडिएटली एंटर्स इनटू अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म इंस्टेंटली। नहीं नहीं नहीं, मैंने थोड़ी ना ऐसे बोला था, मेरा थोड़ी ना ऐसे कोई मतलब था, ये फिसल गया फिसल गया फिसल गया, मन की शांति फिसल गई। किस चीज से? ये सेल्फ डिफेंस भी एक कीड़ा है। अहंकारी बंदे को मालूम भी नहीं पड़ता अहंकारी बंदा कौन, बाबा वो मेरा ही मन है, किसी को अच्छा नहीं लगता। तो किसी को बुरा लगने से मेरे मन को बुरा ना लगे, ऐसा करो उपाय। समझ में आया? ओके, वेरी गुड। अगेन द मैक्रो लेवल, मेरे अंदर की नींव, बुनियाद, और गहरी गहरी गहरी, जितनी गहरी होएगी उतना आत्म का स्वरूप मेरे मन में छपता जाएगा, उतनी मेरी उड़ान ऊंची होती जाएगी, उतना मेरे मन का आराम। आप बताओ ऊंची बिल्डिंगों में कितना मजा है, क्या तो व्यू है, कितने और लोग रह सकते हैं वही जमीन पर, वो इतना सुखदायी है, पर उसमें कितनी जरूरत किस चीज की है, कितनी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उसका फाउंडेशन की स्ट्रेंथ की जरूरत है, राइट माल लगेगा तो वो बिल्डिंग कभी हिलेगी नहीं। तो ऐसे ही मेरे अंदर की बुनियाद, खाली मुख से सत्संग सुना, खाली दिमाग से थोड़ा बहुत बुद्धि से कैच करा, पर गहराई में उतरे नहीं ना संत, तो मेरी उड़ान नहीं होगी, नहीं होगी। कोई भी शास्त्र का हमने वचन भी लिया, पर खाली बोला मैंने आज ना अपने घर में ना भागवत कराई है, कोई आता है भागवत कराता है, हम बैठते हैं, भागवत हो गया, प्रसाद बनाया, सबको दिया, हुआ, आपकी मुक्ति हो गई, मन की वासनाएं खत्म हो गई, अंदर का अज्ञान खत्म हो गया। आप बताओ, मेरा तो नहीं हुआ ऐसे तो नहीं। अरे इतने कांटे हैं अंदर में, इतने अनगिनत कांटे हैं, गुरु का एक एक वचन वो एक एक कांटों से हमारे मन को हल्का करता है, एक एक कांटा निकालता है, एक एक कांटा, क्योंकि 24 घंटे में हमने अपने लिए इतने कांटे बोए हुए हैं ना, इतने कांटे, कांटों का पेड़ उग रहा है हमारे जीवनों में, कांटों का पेड़, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आप समझना, जब किसी के बातों से किसी के काम से मन खुश होता है ना, तो मन क्या करेगा, उसकी तारीफ करेगा, फिर क्या करेगा, धीरे धीरे उसकी आदत हमको पड़ जाएगी, फिर मन क्या करेगा, उससे आसक्त हो जाएगा, फिर क्या करेगा, एक नई दुनिया खड़ी कर देगा। आप बोलोगे दीदी मैं तो खुश तो हूँ, मैं अपनी खुशी की बात तो बोलती हूँ, अभी जिसको ज्ञान पूरा नहीं है ना, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें गड़बड़ क्या है, खुश होने में प्रॉब्लम क्या है। पर हमारी खुशी किस चीज पर डिपेंडेंट है, बहुत डेंजरस है सब। जिस दिन वो सिचुएशन चेंज हो गई, जिस दिन वो बंदा वहां से हट गया, जिस दिन उसके मन की बातें बदल गई, आपका क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। जो मन अवेलेबल है चेंजेबिलिटी में घुसने के लिए, बिना ज्ञान के वो घुस जाता है, वो वहीं पर दफन हो जाएगा, दफन। खुशी लेने के लिए जल्दबाजी मत करो, क्या हो गया, किसके पीछे हम भटक रहे हैं, अच्छे अच्छे शब्दों के, कि कोई मेरे को ऐसे करके देखे, मेरे को ऐसे इंपॉर्टेंस दे, मेरे को ऐसे ऐसे डस्ट करके मेरी कुर्सी को सजा के रखे कि मैं बैठूं। फिर अरे हर कुर्सी में ना बॉम्ब लगा है, बॉम्ब हर कुर्सी में, टाचनी लगी है। सच्ची में बोलती हूँ, ये बहुत अंदर की बात है संत, सबको बोलो संतों तू भी फ्री तो मैं भी फ्री, मन को बोलो मुक्त हो जा प्यारा, मुक्त हो जा, नहीं अंदर में वासना रखना कि कोई मेरे को पूछे खींचे मुस्कुराए बात करे, पानी का ग्लास ला के दे, मेरे को चाय बना के दे, मेरे को मिठाई दे, मेरे को ये करे, नहीं, ये कीड़ा निकालो अभी, मन से निकालो, अभी निकालो, अभी निकालो। ये मुक्ति खाली बोलने की बात नहीं है, देयर आर नो फ्रिल्स वी नीड टू अटैच टू आवर ड्रेस, नॉट रिक्वायर्ड, यू अंडरस्टैंड। अगर हम इतना भी आगे बढ़े ना संत, पर सच्चाई से बढ़ो संत, सच्चाई से,
ये बहुत सच्चाई का दरबार है, कोई शो बिजनेस नहीं है यहाँ पे, कोई और बैठा नहीं है संत यहाँ पे, खाली मैंने कितनी बार बोला है, आप ही बैठे हो और आपका गुरु बैठा है, आपका भगवान और कोई है ही नहीं। हमको बिल्कुल प्रिटेंड नहीं करना है, कोई शर्म की यहाँ बात नहीं है, कोई शो ऑफ की बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आपकी मन की सच्चाई ही आपकी कमाई है और कहीं से कमाई आपकी होने वाली नहीं है। थोड़ा भी 100 रुपए का भी मन को एक्नॉलेजमेंट है ना कि मेरे पास है, तो थोड़ा भी इतराएगा ना, वो 100 से 1 रुपया बनते बनते टाइम नहीं लगेगा। जिसको मैंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया ना, उन्हीं के पास आगे खड़े होकर उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। कभी भी मन में याद रखना, ना राग ना द्वेष। अगर आपने आज मनुष्य जन्म होते होते ये समता का ज्ञान नहीं सींचा अपने अंदर में, जर्रे जर्रे दुख पाएंगे, जर्रे जर्रे। ये कमाल की बात है, पर बात है संत, बात है। खाली आत्म का अनुभव से आनंदमय कोश खुल जाता है, उसके बाद मन की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मन बोलेगा, आप थोड़ा अपने से विवेक विचार से थोड़ा अपने अंदर में एनालाइज करना, एनालाइज करना। एनीथिंग दैट यू बाय और गेट टू योर लाइफ सिचुएशन, कोई भी पदार्थ विल टेक योर टाइम एंड अटेंशन, एंड बोथ आर प्राइसलेस। कभी भी इस शरीर की तारीफ होए, कभी भी कोई इसको एक्नॉलेज करे, अगर ऐसी मन में इतनी भी भाव है ना, तो आप किस तरफ जा रहे हो? वापस अंधकार, वापस अंधकार में। आपका हर कर्म निराकार से छिपा नहीं है। यू आर ऑलवेज वॉच्ड, you are always within his zone, you are never out of his zone, never। दिखावे से किया हुआ कर्म क्या होएगा? आपको क्या लगता है, मन के अंदर में आपको है मैं ऐसे कर रही हूँ ना, देखो वो इम्प्रेस हो जाएगा। आपको लगता है कि वो भाव उसके अंदर में नहीं आता है, उसको नहीं मालूम है। एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ी माई अपनी नई नवेली बहू के साथ जा रही थी, एक गांव से दूसरे गांव जाना था, तो वो बहू जो थी एकदम जवान थी, खूब सारे उसके ऊपर ज्वेलरीज थे और वो उसको लेके जा रही थी। वो बूढ़ी माई थी, थक रही थी, तो फिर एक बड़ा हट्टा कट्टा जवान सोल्जर जो है घोड़े सवार उसको दिखा, वो रास्ते पे जा रहा था। तो वो बूढ़ी माई उसके पास आई और बोला, बेटा देख मैं बूढ़ी हो चली हूँ, मैं दूसरे गांव तक पहुँचते पहुँचते देर हो जाएगी, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, मेरी जवान बहू देखो उसको पहुँचाना है अगले गाँव, मैं उसको अकेले तो भेज नहीं सकती हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे, इसको दूसरे गाँव तक पहुँचा दोगे? उसे बोला, अरे हट बूढ़ी माई, मेरे को कोई टाइम नहीं है, मैं इसी काम के लिए हूँ क्या, मेरे पास वक्त नहीं है, तू जा, तू छोड़ मेरे को, तू अपना देख, मेरे को छोड़। अब वो आगे चला, जब वो आगे चला तो उसके मन में आया कि कितना तू बड़ा मूर्ख है, इतनी सुंदर जवान लड़की को तू साथ में लेके जा रहा था, तेरे को तो मौका मिला था, और उसके ऊपर देखो कितनी ज्वेलरी लगी पड़ी थी, इतना सोना था, उसको तो मालूम ही नहीं पड़ता, बूढ़ी माई को क्या मालूम पड़ता, इतना तूने तो अपनी अपॉर्चुनिटी खो बैठी। तो उसने क्या किया, अबाउट टर्न, और उसका जो शब्द का स्टाइल था ना, द वे ऑफ टॉकिंग, एकदम कोई भी आपसे मीठा मीठा बात करे ना, थोड़ा डिस्टेंस में रखना, थोड़ा डिस्टेंस में, क्यों इतना मीठा बोल रहा है, क्या ये उसका स्वभाव है क्या? हम पहले ही सोचते थोड़ी है, विवेक थोड़ी ना जगाते हैं, क्योंकि पहले मन में क्या है, इतना बड़ा खड्डा अंदर में है, वॉइड, इतना बड़ा खड्डा, फंसने में हमको टाइम नहीं लगता, क्योंकि हम अपने प्रेरणा से तो चलते ही नहीं है, मन की वासना हमको चलाती है तो फंसते हैं। तो वो मुड़ा बूढ़ी माई के पास गया कि अच्छा बूढ़ी माई तू क्यों चिंता करती है, मैंने सोचा ही नहीं, देखो कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही उस गांव में जा रहा हूँ, चल तेरी बहू को मैं छोड़ दूंगा। तो बूढ़ी भाई ने मुस्कुराते हुए बोला, देखो जिसने तेरे मन को बोला ना, उसने मेरे मन को भी बोल दिया, बता दिया, अब मैं अपनी बहू को तेरे हवाले नहीं करूंगी। समझो मेरे मन में वासना है, ये मत समझना
कि सामने वाले को इस बात की फलक नहीं है, मत समझना कि सामने वाले को इस बात की खबर नहीं है। अच्छा, जो मन टू मन ये हो सकता है, तो माता प्रकृति जो है, मदर नेचर जो है, जो कॉस्मिक जो है, जो आपकी दिल की धड़कन को चलाती है, वहां पे आपकी चालाकी चतुराई का उनको मालूम नहीं पड़ेगा, मालूम नहीं पड़ेगा। आप बताओ, जितना मेरे अंदर में अध पक्का पना है, उतना मेरे जीवन में हालतों का आगमन है। समझ में आया? जिस दिन मेरे अंदर में पदार्थ अभावनी होने लग पड़ेगी, पदार्थ अभावनी को समझते हैं कि चीज होए ना होए, मन के अंदर में अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंद्रियों द्वारा जीवन को जीने की वासना मन के अंदर में धीरे धीरे खत्म होने लगती है, क्योंकि मन को किस चीज का अभी आदत पड़ गई है, उस आत्म के आराम और अनुभव की आदत पड़ गई है। जिस दिन पदार्थ अभावनी मन के अंदर में हो जाती है, ऑटोमेटिकली नेचुरली उस दिन हालतों का आगमन कम होने लगता है। आपके हस्बैंड बोलेंगे सुबेरे जाने से पहले, तैयार रहना, डिनर पे जाएंगे, व्हेन आई कम बैक बी कंप्लीटली रेडी, ट्राई लुकिंग गुड, ओके, वी विल ऑल गो आउट फॉर डिनर। अब शाम होती है, 6 बज गया 7 बज गया, माई एकदम फ्रेश हो के परफ्यूम लगा लू के बड़ी अच्छे से रेडी होती है, पर वो जो है वो आराम से 7 क्या बजे 8 क्या बजे 9 क्या बजे इतने देर से आते हैं, और जब आते हैं तो उनकी स्टोरी बदली हुई होती है, वो तो भूल भी जाते हैं कि उन्होंने तो प्रॉमिस किया था। अब वो औरत की क्या हालत होगी, है वो छोटी सी बात, पर यही चीजें 1+1+1 करके एक दिन रिश्तों में दरार आ जाती है, और रिश्तों में जब दरार आ जाती है तो उसको संभालते संभालते पूरा जन्म निकल जाता है। हम अपने ही स्वरूप को भुला देते हैं, हमको याद ही नहीं रहता। बोलो ना, अगर हमने ज्ञान सुना तो हम क्या बोलेंगे, अरे अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है, मैं 2 मिनट में खिचड़ी बनाती हूँ, देखो कितना अच्छा खाना बनेगा, क्या फर्क पड़ता है। अगले एक हफ्ता भगवान आपको इतना 5 स्टार में डिनर कराएगा, इतना 5 स्टार में, आप बोलोगे अरे बाबा मैंने क्या करा था जो मेरे को इतना सुख मिल रहा है। वो पता नहीं सुख है कि नहीं संतों, पर एक बात है बोलने की, इतना कराएगा। एक बार मन से उल्टा चलो, कायनात आपके आगे झुक जाती है, पर सच्चाई से उल्टा चलने का है, बिल्कुल बिना शिकायत के खुशी खुशी ख्वाब करने का नाम है मुक्ति। खुशी खुशी ख्वाब की कोई बात नहीं, सच्चाई से, विदाउट फीलिंग विक्टिमाइज, विदाउट फीलिंग बिचारापना, विदाउट एनी ऑफ दैट, है ना। और जिस मन ने बार बार उस परमात्मा का दर्शन अपने अंदर किया, सामने किया, इर्द गिर्द किया, उसके मन से शिकायत निकालनी नहीं पड़ती है उसको, वो धीरे धीरे निकलती जाती है। उसको मालूम है मजा क्या, कितना लिमिटेशन है, यू नो, प्लेजर्स ऑफ द माइंड इज वेरी लिमिटेड, व्हाई रन बिहाइंड इट, द मोमेंट यू स्टॉप रनिंग बिहाइंड इट व्हाट हैपेंस, यू आर फिल्ड विद प्लेजर, फिल्ड एंड फिट, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स लवली, अंडरस्टैंड। सो द मैक्रो लेवल मीन्स गहराई की समझ, मेरा खून ही बन जाता है, मालूम है सृष्टि किससे भरी पड़ी है, उसी एक सत्य परमात्मा से भरी पड़ी है, ठूस ठूस कर एक एक इंच उससे भरा पड़ा है। मेरे मन का अविश्वास ही एक पर्दा क्रिएट करता है, बाकी कहीं पे कोई पर्दा है ही नहीं। जिसको मैं जानता हूँ उससे मेरा प्यार तो है ही है, जिसको मैं नहीं जानता उससे भी मेरा बहुत प्यार है, है, है। समझ में आ रहा है? झगड़ा होता किस कारण है, आप बताओ? मन की अपूर्णता के कारण, मन के अज्ञान के कारण, नहीं तो झगड़ा करने वाला बचेगा ही नहीं ना, झगड़ा करने वाला बचेगा ही नहीं। बोलो ठीक है, ठीक है। एक बार आपने एक्सपेक्टेशन किसी भी रिश्ते में या बंदे के साथ जोड़ दिया ना, बहुत मुश्किल है उससे बाहर निकलना। बार बार आपका मन, जब सारे रस ये वो जो भी आपके सब खत्म हो जाते हैं ना, क्या रह जाएगा? आपका एक्सपेक्टेशन।
बंदा क्या बोलेगा, आई हैव गिवन 15 इयर्स ऑफ माय लाइफ टू दिस रिलेशनशिप, आई हैव गिवन 20 इयर्स ऑफ माय लाइफ टू दिस फैमिली, आई हैव गिवन दिस, मन की काउंटिंग चालू हो जाती है। मन को बोल चुप कर, करना क्या था वैसे भी तेरे को, है क्या, तू है ही खुद खुदा, तू जहां भी जाएगा तू है ही वो, तेरे को क्या करने का है? कौन से अनुभव में, ठीक है ना, बहुत इजी है, खाली इसको क्या पकड़ाओ, ठीक है ना, अरे बढ़िया है, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा गंगा स्नान है संत, बहुत बड़ा गंगा स्नान, जो मन पूरा की पूरा सरेंडर में है कि जो है ठीक है, चाहत से मुक्त है, चाहत से मुक्त है, वो पहले ही मुक्त है ना, उसको कौन सी पीड़ा है।